भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक का सबसे सफलतम टीम माना जाता है। क्या है भारतीय हॉकी टीम का ओलंपिक सफर? आज चर्चा कुछ इस पर। स्वागत है आपका सिल्क टीवी देश दुनिया में, मैं हूं शम्स। भारतीय हॉकी टीम अब तक 12 ओलंपिक मेडल जीत चुकी है, जिसमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज शामिल है। और अगर हम बात करें 2021 ओलंपिक के परफॉर्मेंस की, तो भारत ने 41 साल के लंबे वक्त बाद जर्मनी को 5-4 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। यह भारतीय हॉकी टीम का तीसरा ब्रॉन्ज मेडल है। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने नीदरलैंड को 3-0 से फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल जीता था। यह भारतीय हॉकी टीम का पहला गोल्ड मेडल था। 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक में भारत ने अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया और ओलंपिक में फिर से गोल्ड मेडल जीता। इसमें भारत ने यूएसए को 24-1 से हराया था, जो ओलंपिक इतिहास में जीत का सबसे बड़ा अंतर है। ध्यानचंद के नेतृत्व वाली भारतीय हॉकी टीम ने 1936 बर्लिन में उन्हीं के घरेलू दर्शकों के सामने जर्मनी को 8-1 से हराकर ओलंपिक में फिर से गोल्ड मेडल हासिल किया। 1940 और 1944 ओलंपिक को द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द होने के बावजूद भारत ने खेल में अपना दबदबा जारी रखा। आज़ादी के बाद ये भारत का पहला गोल्ड मेडल था, और इस जीत को और भी मीठा बना दिया वो ये था कि उसने फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 4-1 से हराया था। 1952 हेल्सिंकी ओलंपिक में बलबीर सिंह ने नीदरलैंड के खिलाफ फाइनल में 5 गोल कर एक रिकॉर्ड कायम किया और टीम ने अपना 5वां गोल्ड मेडल हासिल किया। 1956 मेलबॉर्न में भारत ने अपने पड़ोसी पाकिस्तान को 1-0 से फाइनल में हराकर एक बार फिर गोल्ड मेडल जीता। 1960 रोम में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे, पर इस बार भारत को 0-1 से हार का सामना करना पड़ा और सिल्वर मेडल से संतुष्ट होना पड़ा। और फिर 1964 टोक्यो में भारत ने अगले ओलंपिक में जोरदार वापसी की और फाइनल में पाकिस्तान को हराकर फिर से गोल्ड मेडल हासिल किया। 1968 मैक्सिको ओलंपिक में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 1972 म्यूनिच ओलंपिक में फिर से ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 1980 मैक्सिको ओलंपिक में भारत ने स्पेन को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.silktvnews.com और हमारे डिजिटल सेवा का लाभ उठाने के लिए विजिट करें www.saifu.com।